बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। आज हम फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि नॉन आइडियल बिहेवियर है क्या। हमने गैसेस जो अभी तक पढ़ी हैं वो सारी की सारी आइडियल गैसेज, हम उनको जो है ना कंसिडर करते रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल गैस में डिफरेंस एक्चुअली क्या है। बच्चे आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस। बच्चे आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, बच्चे आइडियल गैस जो है हमारे पास ऐसा कोई गैस नहीं है ये जस्ट हम कंसीडर करते हैं किसी भी लॉ को अप्लाई करने के लिए, या हम कह सकते हैं ऐसी गैस जो ऑल कंडीशंस में किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे बॉयज ला, चार्ल्स ला और आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, ओबे करे, उसे हम क्या कहते हैं आइडियल गैस। पहला पॉइंट हमारे पास थी द गैस विच ओबे द बॉयज चार्ल्स एंड आइडियल गैस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस। और बच्चे हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, इनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती आइडियल गैस में। जबकि हम रियल गैसेज में आए तो हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें रिपल्शन भी है, इसमें अट्रैक्शन भी है, और ये जो है बॉयज़ला चार्ल्स्ला को पे नहीं करते। हम अभी नेक्स्ट जो है इसको देखते हैं। बच्चे इसमें जो हमारे पास है द गैस विच डेविएट बॉयज़ला चार्ल्स्ला एंड आइडियल गैस इक्वेशन एट एनी कंडीशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल गैस। और जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है जी, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और रिपल्शन जो है दोनों फोर्सेस में पाई जाती हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अमंग मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट। बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन कोई भी हो सकती है। बच्चे एक सिंपल सी बात है, हमें पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं ना वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस या अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। और हमारे पास जो है कोई भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, अगर दो मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे दोनों के जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन डेफिनेटली पैदा होगी। लेकिन आइडियल गैस में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी, तो ये दोनों का डिफरेंस है, अक्सर आ जाता है कि आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है, ये नोट कर लें। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। जी तो हम टॉपिक की तरफ अपनी तरफ जा रहे हैं कि हमारे पास जो नॉन आइडियल गैस है वो एक्चुअली है क्या, और इसमें जो है इसका क्या बिहेवियर है। बच्चे हमने आइडियल गैस देख ली है, अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी आइडियल गैस इक्वेशन की, वो क्या थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो बच्चे अगर हम दोनों तरफ एन आर टी से डिवाइड कर देंगे, एन आर टी इज इक्वल टू एन आर टी, तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा पी वी ओवर एन आर टी इज इक्वल टू वन।
बच्चे ये हमारे पास जो पी वी इक्वल टू एन ओवर एन आर टी है ना, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। जैसे क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है जी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है फॉर आइडियल गैस। अगर आपको पता चलेगा ये होता क्या है एक्चुअली, ठीक है जी। जब हमने ग्राफ बनाया, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑन वाई एक्सिस, हमने देखा कि हमारे पास जो रियल गैसेज हैं वो डेविएट कर रही हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। हम जो है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ बनाते हैं। ये तुम्हारे पास जो है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। हमने हमें बताया कि जब भी हम किसी गैस का प्रेशर बढ़ाएं तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है और पी वी इक्वल टू एन आर टी फिर भी हमें होल्ड करता है। अगर हम प्रेशर कम कर दें तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, फिर भी पी वी इक्वल टू एन आर टी जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है वो भी होल्ड करती है। हमने क्या किया, हमने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड पी वी ओवर एन आर टी, जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है जी। हमारे पास जो है प्रेशर जो हमारे पास इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हमारे पास प्रेशर, लेट्स सपोज 1 atm, ये हमारे पास कोई गैस है, ठीक है जी। इसका वॉल्यूम है 1 dm³। मैंने क्या किया, इसका प्रेशर जो है वो बढ़ा के कितना कर दिया, 2 atm कर दिया। मेरे पास गैस का वॉल्यूम 0.5 dm³ रह गया, ठीक है जी। यानी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया या प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है जी। दोनों यूनिवर्सली पॉसिबल है। तो हमने जब ये करने के बाद हमने आइडियल गैस के लिए ये कंडीशन देखी तो हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आया वो 1 आया, जो भी हमने प्रूव किया है 1, और लेट्स सपोज यहाँ से 0, ये हमारे पास 0.5, ये 1.5 और यहाँ पे 2 आ गया। और हमारे पास जो एटमोसफेयर प्रेशर है यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 200 एटमोसफेयर प्रेशर, यहाँ पे 400, यहाँ पे 600, 800 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। जब हमने ग्राफ बनाया तो हमारे पास जो ग्राफ बना आइडियल गैस के लिए वो कौन सा ग्राफ बना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी। रेड कलर की आपको जो है वो नज़र आ गई होगी। जो मेरे पास कोई भी गैस है आइडियल है, अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे डिफरेंट प्रेशर के ऊपर तो वो इसके ऊपर लाई करेगा, इससे अबव और बिलो जाए तो समझ लीजिए कि वो जो गैस है वो गैस आइडियल नहीं है बल्कि नॉन आइडियल गैस है। हाँ, अगर वो गैस सिर्फ ऊपर ही रहे तो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पॉजिटिव होगा। अगर वो गैस जो है इस लाइन से, रेड लाइन से नीचे आए तो हमारे पास वो कौन सा होगा, नेगेटिव कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा जी। जी तो हम अभी देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ग्राफ हम ड्रा करने लगे हैं फॉर रियल गैसेस। हम जो है हमने 4 गैसेस ली, कौन कौन सी, हमने हीलियम गैस ली, हमने H2 गैस ली, N2 गैस ली और CO2 गैस ली। ये सारी क्या है, रियल गैसेस है जी, ठीक है जी। और हमने ये जो ग्राफ जो है प्लॉट किया है वो 25 सेंटीग्रेड पे हमने, यानी इसको हम 273.15 केल्विन भी कह सकते हैं, इतने टेम्परेचर में हमने जो है ग्राफ प्लॉट किया। हमने देखा कि जो हमारे पास हीलियम गैस है वो साथ साथ जो है वो मूव कर रही है आइडियल गैस के, और जब हमने H2 को देखा तो जो H2 गैस है वो भी साथ साथ मूव कर रही है मगर वो ज़्यादा डेविएट कर रही है फ्रॉम हीलियम गैस। और जब हमने N2 गैस को स्टडी किया तो हमारी जो N2 गैस थी उसने नेगेटिव डेविएशन शो की और उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन की तरफ मूव कर गई। और जब हमने CO2 को देखा तो हमने देखा कि जो CO2 गैस है फर्स्टली बहुत ज़्यादा डेविएट करती है, उसके बाद जो है मूव कर जाती है फ्रॉम पॉजिटिव कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की तरफ। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या ऐसी चीज़ थी जिसने इनको मजबूर किया कि ये आइडियल बिहेवियर से दूर जाएं, कि ये जो हमारे पास सीधी लाइन आ रही है रेड कलर की जो हमारे पास आइडियल गैस के लिए है इससे डेविएट करें। बच्चे मैंने आपको पहले बताया है कि जो नॉन आइडियल चीज़ होती है या जो रियल चीज़ होती है उसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज का फैक्टर पाया जाता है, ठीक है जी। जब भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज जो है हमारे पास पाई जाएंगी तो क्या होगा कि लेट्स सपोज जी मेरे पास ये गैस थी हीलियम गैस, हमें पता है कि इस तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है जी। हमने क्या किया, हीलियम गैस ली, ठीक है जी। हीलियम गैस इसमें लेने के बाद
हमारे पास इतना प्रेशर था, पहले प्रेशर हमारे पास काम था, 0 1 हमारे पास जो है 10 20 30 50 और 60 100 यहाँ पे आ गया, और उसके बाद 200 लाख, यानी हमारे पास पहले प्रेशर जो था वो कम था। जो ही हमने प्रेशर बढ़ाया, हीलियम के मालिक्यूल जो थे, मैं चले आपको जो है बना देता हूँ मोनोटॉमिक, इसके एटम जो है लेट जी, ये मेरे पास हीलियम गैस है, ठीक है जी। जब मैंने क्या किया कि मैंने इस गैस को कंप्रेस करने की कोशिश की, तो इसने क्या किया, शुरू में जब इस पे प्रेशर कम था तो ये बिल्कुल अपने आराम से आइडल बिहेव शो कर रहे थे, कोई इनके पास जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं थी। लेकिन जब मैंने इस इनके ऊपर प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो गैसेस के मालिक्यूल जो थे वो करीब करीब आना शुरू हो गए। जब गैसेस के मालिक्यूल करीब करीब आना शुरू हुए, तो इनमें रिपल्सिव फोर्सेज पैदा हुई। कौन सी रिपल्सिव फोर्सेज बचे, इस इलेक्ट्रॉन की इनके इलेक्ट्रॉन के साथ, इस न्यूक्लियस की इस न्यूक्लियस के साथ। जब ये रिपल्सिव फोर्सेस पैदा हुई, तो इसने क्या किया, इसने आइडियल बिहेवियर से डेविएट करना शुरू कर दिया। हमने यही देखा था कि जब किसी चीज़ में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस पैदा हो जाएं, तो वो चीज़ जो है वो डेविएट कर जाती है। तो हीलियम गैस जो थी उसने क्या किया, डेविएट करना शुरू कर दिया, और ये हमारी इस लाइन से अबव जाना शुरू हो गई। अगर हम देखें H2, तो बच्चे H2 का जो साइज है वो HE से ज़्यादा है। आप कहेंगे कि नहीं सर, हमारे पास जो H है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, HE में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चे हम H की बात नहीं कर रहे हैं, हम H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। जब भी मैं मॉलिक्यूल की बात करूँगा, तो मेरे पास एक एटम यहाँ पे आएगा और एक एटम यहाँ पे आएगा, दोनों के मेरा बांड है, ये मेरे पास क्या है, H2 है, ठीक है जी। अगर मैं अकेले हीलियम की बात करूँगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बताएं जी, H2 का जो है हमारे पास जो है ज़्यादा साइज है या HE का, जारी बात है H2 का। अब जब H2 का हमारे पास जो है वो साइज ज़्यादा है, तो जब हम इसको इसमें रखेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा इतना ही प्रेशर लगाएंगे जितना हमने HE पे लगाया था, तो इसमें रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा पैदा होंगी, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में जो है हमारे पास रिपल्सिव ज़्यादा है, और इनके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव ज़्यादा है, क्योंकि ये इनका साइज़ जो है वो क्या है, ज़्यादा है। साइज़ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, तो क्या होता है कि रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं और चीज़ें ज़्यादा डेविएट करती हैं, ठीक है जी। अगर हम यही बात करें मेरे पास N2 के लिए, तो N2 का अगर मैं साइज देखूं, तो मेरे पास क्या होता है, पहला इस पे 7 है, इसके होता है एटॉमिक नंबर, तो मेरे पास पहले में 2, दूसरे में 1 2 3 4 5, इसी तरह का एक N2 और 7 लिखूं, तो मेरे पास क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, ट्रिपल बॉन्डिंग, और इसके दोनों के वैलेंस शेल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पे जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यहाँ पे जो है न्यूक्लियस 2 है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन जस्ट 2 वैलेंस शेल्स में है, किसके, एन के, 2N के। जब इनमें जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जाहिर बात है रिपल्सिव फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, तो इसने क्या किया, ज़्यादा डेविएट किया फ्रॉम एज कम्पेयर टू HE and H2K। अब हम बात करते हैं CO2 की। CO2 कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल इनका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 32 और 12 कितना हो गया जी, बल्कि इसके एटॉमिक नंबर की बात करें, इसका होता है 6 और इसका 8, और हमारे पास हो गया 16 और 6, हमारे पास 22 हो गया, ठीक है जी। तो इनमें देखें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से जब इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे उतना जितना इस पर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये ज़्यादा डेविएट करेगा। पहले ही इन दोनों को हम क्लोज करते गए करते गए, जितना हम इसको क्लोज करते थे हमने किया, प्रेशर बढ़ाया जितना क्लोज हो सकते थे, हमने इनको क्लोज किया। जो ही हम और प्रेशर लगाया, तो वो प्रेशर वो बियर नहीं कर सके, उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। रिपेल करने की वजह से दोनों क्या हुए, एटम जो है उससे दूर हो गए, और जिसकी वजह से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इनका क्या, पॉजिटिव में चला गया, ठीक है जी। आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जो जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ किस तरह चेंज हुआ है, क्यों गैसेस ने डेविएट किया है, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो बढ़ जाएंगी जी। तो अब हम एक और ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये हमारा ग्राफ किस टेम्परेचर पे था, 25 सेंटीग्रेड पे। अब हम जो ग्राफ बना रहे हैं इसका, वो बना रहे हैं 100 टेम्परेचर के ऊपर, 100 सेल्सियस के ऊपर। तो जब हम, पता है कि हम जब भी किसी गैस का जो है टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। गैस के मालिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। जो ही गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से अवे हो जाएंगे, दूर दूर होंगे, तो क्या होगा, उनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। लेट्स सपोज जी, ये मैं ग्राफ में आ रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मेरा क्या है, प्रेशर है 200 400 600
800 एप्सिलॉन, यहाँ मेरा पी वी ओवर एन आर टी है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है जी। यहाँ पे वन वैल्यू है 0, 0.5, 1.5 और 2, ठीक है जी। और हमने देखा हुआ है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में हमारे पास जो है सीधी लाइन आती है आइडियल गैस के लिए, ठीक है जी। हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड लिया हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से अवे हो जाएंगे। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने देखा कि हमारे पास जो हीलियम गैस थी वो बिल्कुल जो है हमारे पास ग्राफ के साथ साथ गई और एंड पे जाके इसने क्या किया, डाइविशन शो की, ठीक है जी। जब हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन भी बिल्कुल साथ साथ गई लेकिन थोड़ा सा आगे जाके इसने क्या किया, अवे हो गई। और जब हम नाइट्रोजन को देखा तो इसने क्या किया, इसने भी पॉजिटिव डाइविशन शो की, नेगेटिव डाइविशन शो नहीं की, ठीक है जी। जब इसने नेगेटिव डाइविशन शो नहीं की तो इसके बाद हमने देखा CO2 का, इसने बिल्कुल जो है कम नेगेटिव डाइविशन शो की और ऊपर मूव कर गई। बच्चे हुआ क्या है यहाँ, एक्चुअली हमारे पास हमने टेम्परेचर जस्ट बढ़ाया है, बाकी सारी की सारी कंडीशन हमारी वही है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि लेट्स सपोज जी मेरे पास ये गैस है, ठीक है जी, हमारे पास 1 atm टेम्परेचर है और इसका वॉल्यूम है 1 dm क्यूब है जी, 1 atm प्रेशर है और टेम्परेचर हमारा 25 सेंटीग्रेड है। मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, मेरे पास जो था इसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम क्यों बढ़ा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल के पास जो है एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, कनेक्ट एनर्जी, वो ज़्यादा वाल्व के साथ एंड उसके जो है कंटेनर के पिस्टन के साथ टकराते हैं, प्रेशर ज़्यादा डालते हैं जिसके वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ ज़्यादा रहता है, तो वॉल्यूम हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़, वॉल्यूम लेट्स सपोज dm, 2 dm क्यूब हो गया, हमारा एटमोसफेयर प्रेशर जो है कितना, 1 atm ही था। तो बच्चे टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया, जब वॉल्यूम बढ़ा तो गैस के मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को रिपेल करना, दोनों अपने, फॉर एग्जाम्पल O2 है, CO2 है, CO2 है, N2 है, दोनों ने आपस में रिपल्सिव फोर्सेस कम कर दी क्योंकि इनमें फासला जो है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है टेम्परेचर ज़्यादा करने की वजह से। तो क्या हुआ, गैसेस ने आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा, ये टोटली आइडियल नहीं हुई, आइडियल बिहेवियर शो किया है थोड़ा थोड़ा, देखिए बिल्कुल लाइन के साथ साथ जा रही है, ये भी लाइन के साथ साथ, ठीक है जी। मीन्स के हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेज जो है वो आइडियल बिहेवियर शो कर देती हैं। जो है ग्राफ आप एक दफ़ा देख लें, इसके बाद हमने जो यहाँ से कंक्लूजन ली है, जो रिजल्ट निकाला है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ जी, ठीक है जी। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इसका जो है रिजल्ट जो आप लिखने जा रहे हैं, बच्चे कोई भी गैस जो है वो आइडियल कब होती है, जब उस पर प्रेशर कम लग जाए। प्रेशर कम लगने से क्या होता है जी, प्रेशर कम लगेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी, कम होगी तो क्या होगा, हमारे पास चीज़ें जो है वो आइडियल हो जाएगी। गैसेस आर आइडियल, आइडियल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है जी। इसकी मैं आपको रीजन बाद में बताता हूँ। और सेकंड पॉइंट क्या है जी, गैसेस आर नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। बच्चे आपको याद होगा हमने गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया था हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, क्योंकि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो गई थी, ये भी बिल्कुल वही है। बच्चे हुआ क्या है, जब गैसेस आइडियल क्यों हुई हैं लो प्रेशर पे, क्योंकि जब हमने प्रेशर लो किया गैस का वॉल्यूम जो था वो क्या हो गया, कम हो गया, गैस एक्सपैंड कर गई, मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस कम हो गई, तो क्या हुआ, गैसेस जो थी वो आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया। सारी की सारी बात जो है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस की है बच्चे, अगर साइज ज़्यादा होगा अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, साइज कम होगा अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगी, तो गैसेस आइडियल शो करेगी। अब हमारे पास जो है हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ, जब हाई टेम्परेचर भी हाई होता है तो वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ गया दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस कम हो गई। अब हम आइडियल की बात करें, गैसेज जो है हमारे पास नॉन आइडियल कब शो करती हैं, हाई प्रेशर के ऊपर,
जब हाई प्रेशर होता है तो क्या होता है, गैसेस के मालिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं, तो गैस के मालिक्यूल जो है आपस में नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर देते हैं। और ये लो टेम्परेचर क्या होता है, जब लो टेम्परेचर हो फिर भी हमारा वॉल्यूम जो है कम आ जाता है, मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज पैदा हो जाती हैं। ठीक है जी, ये कंक्लूजन आपको जो है वो समझ आ जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके प्रेशर और वॉल्यूम की करेक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। होप सो कि आपको जो है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप मेरे पाक जूनियर के स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। थैंक यू।